क्या एक नारा अतिथि शिक्षकों को भारी पड़ गया? क्या अतिथि शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन करना और इसे लेकर चेताना इतना महंगा पड़ गया कि रात के सह अंधेरे में अतिथि शिक्षकों के साथ बर्बरता की गई? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। आप सभी को मालूम है कि अतिथि शिक्षकों के साथ किस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, पुरुष शिक्षकों को तो मारा ही गया, महिलाओं के भी हाथ पैर नीले पड़े हुए हैं। दरअसल बुधवार की देर रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास बहुत तेज अंबेडकर पार्क में चीख पुकार सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कि खदेड़ खदेड़ के पीटा जा रहा हो। अतिथि शिक्षक जो कि लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर एक गांधी जयंती से ही शुरुआत कर दिए थे प्रदर्शन की, और इनका ये कहना था कि सरकार ने वादा किया था कि हम नियमित करेंगे, लेकिन नियमित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टा अतिशेष शिक्षकों का फॉर्मूला लाकर न जाने कितने ऐसे शिक्षक हैं जो अभी काम पर वापस नहीं लौटे हैं और उन्हें सैलरी भी नहीं मिल रही है। जीवन यापन का संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा था कि हम कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे, लेकिन वो रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के एक बयान के बाद से शिक्षक काफी नाराज हो गए थे और हाल ही में कुछ दिन पहले कहीं एक वीडियो सामने आया था जब पूर्व सीएम मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अतिथि शिक्षक मुलाकात किए थे और उनका ये कहना था कि मामा जी, आपने तो हमें सालों साल इस आश्वासन में रखा कि हमें नियमित किया जाएगा, लेकिन अब हमें हटाए जाने की बात कही जा रही है। और जो तमाम बयानबाजी हुई है उसका भी जिक्र किया गया तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम बात करेंगे और कुछ बेहतर होगा, लेकिन अब जब देर रात लाठीचार्ज हुआ है शिक्षकों के ऊपर, उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी ये है कि पुरुष जो शिक्षक थे उनको तो पीटा ही गया, महिला अतिथि शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और ये सब किया गया रात के अंधेरे में। अंबेडकर पार्क में सभी अतिथि शिक्षक मौजूद थे। पहले तो पार्क की लाइट बंद कर दी गई और उसके बाद पुलिस पहुंची इनसे बातचीत करने के लिए। कहा गया कि डेलीगेट से मुलाकात करिए, आप बातचीत करिए। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि आप जो भी बात करना चाहते हैं उनको बोले कि वो मौके पर आए, जहां पर इनका प्रदर्शन चल रहा है वहीं पर बात करें, तभी कुछ आगे का रास्ता निकल पाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि इसके ठीक बाद लाइट बंद हो जाती है और उसके बाद पुलिस लाठियां भांजना शुरू कर देती है। अतिथि शिक्षकों का यह भी कहना है कि पहले तो मारा गया और उसके बाद जो प्रदर्शन संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ ही अन्य 3 लोगों के खिलाफ, यानी कि कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने वीडियो बनाया पुलिस की बर्बरता का, जिन अतिथि शिक्षकों ने वीडियो बनाया था उन्हें ज्यादा पीटा गया, उन्हें रोका गया, उनके मोबाइल से जो वीडियोज थे वो डिलीट किए गए और उनको ले जाकर प्रदेश के भोपाल, राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया गया। पूरी रात अतिथि शिक्षक भटकते रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, धर्मशाला, लॉज, होटल, न जाने कहाँ कहाँ अपना आस ढूंढते हुए नजर आए थे। पुलिस लगातार चेक कर रही थी कि अगर किसी ने भी इसका वीडियो बनाया होगा तो उसको और पीटा जाएगा। तो इस तरीके से जो बर्बरता सामने आई है, ये बर्बरता का मुख्य कारण क्या था आपको ये भी बता दें। दरअसल माना ये जा रहा है, जो आरोप लगाने अतिथि शिक्षक, वो ये है कि इन्होंने एक टैगलाइन लिखी थी अपने पोस्टर में जिसमें ये लिखा गया था कि हम कि कब्जा करने आए हैं और कब्जा करके जाएंगे, और माना ये जा रहा था कि ये जो टैगलाइन दी गई थी पोस्टर में, ये शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के उस बयान का जवाब था जिसमें राव उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि अतिथि हो कब्जा थोड़ी करोगे, अतिथि हो मेहमान बनकर आए हो कब्जा थोड़ी करोगे, और इसी बयान का जवाब माना जा रहा था और इसके बाद से ये बर्बरता हुई है। फिलहाल इस वक्त राजधानी भोपाल में जो अतिथि शिक्षक हैं वो काफी नाराज हैं और ये माना जा रहा है कि अतिथि शिक्षक आगे कुछ और भी प्रदर्शन की राह देख सकते हैं। हालांकि अभी तो बहुत चोटिल हैं सभी लोग, कुछ का इलाज जारी है और पुलिस रिकॉर्ड ना हो पाए वीडियो में, इसके चलते पुलिस ने खासतौर पर उन लोगों को बहुत पीटा जिन लोगों के हाथों में मोबाइल थे या फिर जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बहुत गंभीर भी कुछ लोग घायल हुए इस दौरान। सुनाई ये भी दे रहा है जो अतिथि शिक्षकों का कहना है कि गोलियां भी चलाई गई, हालांकि गोलियां लगी नहीं किसी को, लेकिन उन्हें डराया गया, भगाया गया, धमकाया गया, लाठीचार्ज किया गया। और इस बर्बरता के बाद देखना यह है
अच्छा एक बात और बता दें आपको, लाइट्स बंद कर दी गई ताकि वो पुलिस वाले नजर ना आए जिन्होंने लाठियां भांजी हैं, ताकि किसी भी तरीके का एक्शन ना लिया जा सके, ये भी बात सामने आ रही है। और इस वक्त अतिथि शिक्षक जो कि पिछले 18 से 20 सालों से लगातार सेवारत थे, अतिशेष शिक्षकों को फॉर्मूला लाकर कुछ शिक्षकों को हटा दिया गया। बाद में ये भी कहा गया कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा जहां पर नहीं आया है उन शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। और कई शिक्षक ऐसे हैं जब नए सत्र की शुरुआत होती है शिक्षा सत्र की, उन्हें बुलाया भी नहीं गया है और उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट भी गहरा चुका है। महिला और पुरुष दोनों ही जो अतिथि शिक्षक हैं, इनकी लगातार मांग थी कि इन्हें नियमित किया जाए, हर बार आश्वासन भी मिला है लेकिन इस आश्वासन के बाद कभी नियमित किया नहीं गया है। और इस बार जिस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है अतिथि शिक्षकों के साथ, ये पूरा मामला अब देखना यह है कि इस पर किस तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अब इस पर सख्त रुख अख्तियार कर रही है और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक सभी को घेरने की कोशिश भी हो रही है। अतिथि शिक्षक आगे क्या करेंगे ये भी देखना होगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों की एक टैगलाइन उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि अतिथि शिक्षक खुद इस बात को मान रहे हैं कि इसी बात से नाराज होकर उनके ऊपर लाठियां बरसी हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। आप किस पूरे वीडियो को लेकर क्या राय है, आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर जो लाठी चार्ज किया गया इसको लेकर क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।